नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। फरवरी का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस महीने में गर्मी का एहसास होने के बाद फिर से देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली में आज सुबह भी कोहरा देखा गया। वहीं वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार देखने को मिला। अमेरिकी दूतावास के आसपास AQI 208 दर्ज किया गया तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन भर धूप देखने को मिली। वहीं गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 5 दिनों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी होने की आशंका जाहिर की गई है। उत्तराखंड में भी मौसम खराब रहने वाला है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही आने वाले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 25 से 27 फरवरी के बीच बारिश का अनुमान है तो वहीं उत्तराखंड में 23 से 27 फरवरी के दौरान बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस बीच तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। 25 से 27 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले पड़ने की आशंका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।